तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह, शहीद के परिजनों से की मुलाकात, सुरक्षा पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी का 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, जनसभा को करेंगे संबोधित। मथुरा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम, पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। बिजनौर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, मौके से महिला समेत दो डॉक्टर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। गृहमंत्री का यह दौरा हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमले को देखते हुए बेहद अहम है। वहीं शाह ने श्रीनगर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एयरपोर्ट पहुंचकर गृहमंत्री का स्वागत किया, इस दौरान परिवार को सांत्वना दी है। आगे कई तरह की हाई लेवल मीटिंग्स हो सकती है, कई अधिकारियों के साथ बातचीत हो सकती है। आप बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की है, परिवार को ढांढस बंधाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका मेन मकसद यहां पहुंचना इसलिए खास है क्योंकि यहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं पिछले कई दिनों से, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश की जनता लगातार ये मांग कर रही है कि जो भी आरोपी हैं, जो आतंकी हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसको लेकर घाटी में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तीन दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर, उम्मीद है कि कई हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ हो सकती हैं। दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां वो करीब एक घंटे तक रुकेंगे, साथ ही इस दौरान वो वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और परियोजनाओं के लोकार्पण और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करने के बाद जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, वाराणसीवासियों से खासा प्यार है और वाराणसी वासियों से लगातार वो संपर्क में बने रहते हैं। कोरोना काल में भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने वाराणसी की जनता से बातचीत की थी और साथ ही साथ एक खास रिश्ता बना रहता है। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हालांकि ये जो दौरा है वो सियासी भी माना जा रहा है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, तो वहां की जनता को किस तरह से लाभ मिल रहा है, कितना विकास वहां हुआ है, किस तरह से आगे विकास करना है, इसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जनता से खास बातचीत की जाएगी। तो सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा तीन शहर बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से एक साथ रवाना हो चुकी है। वहीं इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर प्रियंका गांधी भी बाराबंकी पहुंची और वहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। बता दें कि प्रियंका गांधी जब लखनऊ से निकली तो रास्ते में खेतों में काम कर रही महिलाओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। वहीं प्रियंका खेत में ही महिलाओं के बीच बैठ गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका को जलेबी भी खिलाई है। ये तस्वीरें बेहद खास और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। तो बाराबंकी पहुंचे प्रियंका गांधी, यहां से प्रतिज्ञा यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है और इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाराबंकी से मेरे सहयोगी रविंद्र पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी ने कर दी है, आगे क्या कार्यक्रम प्रियंका गांधी के?
देखिए काजोल, यहाँ पर जो भारत की 6 प्रतिज्ञाएं थी यहाँ पर जो है उनकी यहाँ पर प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, और जो है यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी है, बिजली के बिल है, और किसानों के जो अनाज के हैं मूल्य बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो यहाँ पर कार्यक्रम अभी 1 बजे से शुरू हुआ था, अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है। केवल प्रियंका गांधी यहाँ से निकली है और यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर प्रतिज्ञा यात्रा को यहाँ पर रवाना किया गया है। और ये प्रतिज्ञा यात्रा जो है बाराबंकी होते हुए लखनऊ जाएगी, लखनऊ के बाद बुंदेलखंड की तरफ जाएगी। जी काजोल, बिल्कुल रविंद्र, अगर देखा जाए तो ये जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जहां पर प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंच रही थी और लखनऊ से जब बाराबंकी जा रही थी, वहां पर बीच में ही कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही थी, वहां पर प्रियंका गांधी रुकी और जो महिलाएं थी उन्होंने अपने हाथों से प्रियंका गांधी को खाना भी खिलाया है, जलेबी भी खिलाई है, महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही है। तो क्या हम ये मान लें कि जो प्रियंका गांधी करना चाह रही है वो सफल हो रहा है? देखिए काजोल, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने पहली जो अपनी जो प्रतिज्ञा यात्रा थी उसमें बता दिया था कि चुनाव में 40% महिलाओं की भागीदारी रहेगी, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। बाराबंकी से पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी पहुंची है, महिलाओं को जलेबी खिलाई है और महिलाओं के साथ यहाँ पर जो है फेसबुक पर लाइव आई है। तो काजोल, कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति प्यार दिख रहा है और यहाँ भी जो कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर भी यहाँ प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर वो पुरानी जो पहली प्रतिज्ञा यात्रा थी जो प्रतिज्ञा की थी उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी है और वहाँ को बताया कि 40% महिलाओं की जो यहाँ भागीदारी रहेगी, ताकि जो 40% महिलाएं इस चुनाव में आएंगी तो जो भी समस्याएं होती हैं वो अच्छे से महिलाओं को समझ सकेंगी और उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। जी काजोल, बिल्कुल रविंद्र, और यहाँ की महिलाएं कितनी खुश है प्रियंका गांधी से, क्योंकि तस्वीरों में तो बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल काजोल, यहाँ पर काफी खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा कि अचानक प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची है और अपने हाथों से वहां जलेबी खिलाई है। तो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता जब किसी महिला के पास पहुंच जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वही आज ये तस्वीर बिल्कुल देखिए रविंद्र, अगर बात की जाए तो कभी महिला कांस्टेबल के साथ प्रियंका गांधी की सेल्फी वायरल हो जाती है, आज खेत में काम करती महिलाओं के साथ जो जलेबी खाना है वो वायरल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो कहते हैं कि अपनी दादी की छवि जो है वो प्रियंका गांधी में नजर आती है, तो वो साफ है, लोग देखते हैं मतलब इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में। जी बिल्कुल काजोल, यह जो तस्वीर निकल कर सामने आई है इसमें जरूर यह छवि देखी जाती है, जैसे इंदिरा गांधी जी थी वो महिलाओं के प्रति प्यार था, वैसे उसी तरीके से जो ये प्रियंका गांधी जी हैं वो देखी जाती है। यहाँ पर केवल पुनिया जी ने एक सवाली निशान जरूर साधा था योगी सरकार पर, जब वो महिलाओं के साथ जो महिला पुलिसकर्मी थी प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली थी और वायरल हुई थी, और इसको लेकर योगी सरकार ने कहा था कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों को चिन्हित करके। तो कहीं ना कहीं उस पर केवल पुनिया है जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उन्होंने निशाना साधा था। और जो है ये आज जो ये कार्यक्रम था यहाँ से हरक मैदान से किया गया है, जयपुर विधानसभा का जो है ये हरक मैदान है जनपद इंटर कॉलेज, यहाँ से कार्यक्रम किया गया है, यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर यहाँ प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना। इस कार्यक्रम में कौन कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल हुए, इसके अलावा ये जो पूरी यात्रा है प्रतिज्ञा यात्रा, इसका मकसद क्या है, कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरेगी बाराबंकी में? देखिए काजोल, ये बाराबंकी से लेकर लखनऊ जाएगी, लखनऊ से होते हुए ये झारखंड और झांसी में जाकर यह प्रतिज्ञा यात्रा समाप्त होगी, और इसके दौरान एक कई यात्राएं निकलनी है जो प्रदेश में ये तो झारखंड की तरफ जो जाने वाली है, तो ये बुंदेलखंड की तरफ, माफ कीजिएगा। रविंद्र, क्या प्रियंका गांधी आज बाराबंकी में रुकेंगी या कोई और कार्यक्रम है उनका? देखिए काजल, बाराबंकी में प्रियंका रुकने वाली नहीं है क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया, यहाँ से निकलती है प्रतिज्ञा यात्रा से, यहाँ रवाना हो गई है प्रतिज्ञा यात्रा, तो यहाँ रुकने वाली नहीं है। कुछ देर का कार्यक्रम था, 1 घंटे का कार्यक्रम था, 1 घंटे के बाद वो लखनऊ पुनः वापस जाएंगी काजोल। बिल्कुल रविंद्र, और इस यात्रा का खास मकसद क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका साफ कर चुकी हैं, खास मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं का जो यहाँ पर मिशन सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना। जी बिल्कुल, ये चुनावी एक सरगर्मी बढ़ाना है और चुनावी माहौल बनाना है, इसी को लेकर प्रतिज्ञा यात्रा की गई है। 1200 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा की जाने वाली है, कई जिलों से होकर ये गुजरेगी प्रतिज्ञा यात्रा, और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पीएल पुनिया जी हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके साथ और कई अन्य नेता हैं काजो, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल भी बनाया जा रहा है, चुनावी माहौल को लेकर प्रतिज्ञा यात्रा की जा रही है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो प्रियंका गांधी बाराबंकी पहुंची, वहां से प्रतिज्ञा यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है, हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया, इससे बीच महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की, खेत में काम कर रही महिलाओं के पास प्रियंका गांधी जाकर बैठ गई और महिलाओं ने अपने हाथों से उन्हें जलेबी खिलाई है, खाना खिलाया है, पानी पिलाती हुई भी नजर आ रही है। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जो करने की कोशिश कर रही है उसमें वो एक हद तक सफल भी हो रही है, क्योंकि महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी देखने के लिए मिल रही है अचानक प्रियंका गांधी को अपने पास पाकर, वो वाकई देखते ही बन रहा है। और इससे ये साफ है कि प्रियंका गांधी एक मजबूत नेत्री के तौर पर अब मैदान में उतर चुकी हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए ट्वीट, एंड्रॉइड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने के चुनावी दावों और वादों के बीच चर्चा सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक जोरों पर है। बरेली में भी प्रियंका गांधी के सैलान पर चर्चा आम रही, जिसमें जनता के कांग्रेस को कुर्सी देने पर इंटर पास करने वाली छात्राओं को एंड्रॉइड मोबाइल, ग्रेजुएट छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात कही गई है। इस संबंध में बरेली से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता पवन कुमार ने जब बरेली में छात्राओं से चर्चा की और जानना चाहा कि प्रियंका के सियासी वायदे और दावे को लेकर छात्राएं क्या सोचती हैं, तो देखिए क्या कुछ कहा वहां की छात्राओं ने। डिग्री कॉलेज के बच्चों की राय जानने के बाद हम पहुंचे हैं साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में इंटर की छात्राओं के पास। आप जानेंगे कि इंटर की छात्राओं के मन में क्या है, वे क्या सोचती हैं लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल, टैबलेट और स्कूटी के बारे में। आइए बात करते हैं, मेरे साथ ऐसी तमाम छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना बेटा, ये जानना चाहेंगे कि अभी प्रियंका जी ने बोला है कि अगर इंटर के बच्चे पास होते हैं इस साल और उनकी सरकार आती है तो आपको एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा और स्कूटी दी जाएगी, क्या कहना चाहोगी आप इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि एक तरीके से मोबाइल देना सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। बच्चे केवल पढ़ाई के लिए मोबाइल की वो करें तो ज़्यादा ठीक है। फिलहाल जब अगर मोबाइल बच्चे चलाएं तो उन पर गार्जियन ज़्यादा ध्यान दें। प्रियंका जी का जो कहना है वो ये कहना है कि उनकी सरकार आएगी तब आपको ये सब चीज़ें बांटी जाएंगी। नहीं नहीं, अभी कुछ और बच्चे भी मेरे साथ तमाम ऐसे मौजूद हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। मनीषा बेटा, ये जानना चाहेंगे प्रियंका जी ने कहा है कि इंटर पास करने के बाद बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, क्या कहना है इस बारे में? ये कहना है कि दें बच्चों को तभी फ़ोन दें अच्छे हों पढ़ने में, मतलब बच्चे अगर देखा जाए तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय हैं और बच्चे कुछ ऐसे और मेरे साथ मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज़ कविता राणा। कविता, जानना चाहेंगे प्रियंका जी ने कहा है कि इंटर पास करने के बाद बच्चों को अगर उनकी सरकार बनती है तो आपको टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी, क्या कहना है आपका? मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों की पढ़ाई ख़राब हुई है तो इससे दोबारा वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, और काफ़ी मतलब पढ़ाई काफ़ी ख़राब हुई है इस बार तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं कुछ और ऐसे बच्चे मेरे साथ हैं, आइए। माय नेम इज कशिश कश्यप। क्या कहना चाहोगी ये एंड्रॉइड मोबाइल? मेरा कहना है कि टैबलेट या स्मार्टफोन हमें मिलने चाहिए क्योंकि जिन बच्चों के पास फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं थे उन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई, जैसे उनमें से मैं, ये काफ़ी लड़कियाँ हैं जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब मुहैया कराई जाएंगी जब कांग्रेस की सरकार आती है। हाँ, मैं चाहती हूँ कांग्रेस सरकार आए। नहीं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि उनको टैबलेट नहीं चाहिए, कुछ का कहना है कि उनकी पढ़ाई इस वजह से रुकी है। वहीं कुछ टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुष्मिता। सुष्मिता जी, प्रियंका जी ने अभी ट्वीट किया था कि इंटरमीडिएट की छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे और ग्रेजुएट की लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि सरकार कोई सी भी आए लालच के आधार पे ना आए, बच्चों को इस तरह का लालच दे के नहीं, अगर उसकी जो है उनको उनके लिए कुछ करना चाहती है तो जो बच्चों के कंपटीशन वगैरह है इन सब चीज़ों में उन्हें कुछ छूट दी जाए, उनकी फ़ीस माफ़ी का किया जाए तो जिससे जो है उनके भविष्य में उनको आगे बढ़ने में सुविधा होगी, ना कि आप जो है स्कूटी दे दें। कोई बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी स्कूटी का काम आए। बच्चों का एक जगह कहना है कि हमारी पढ़ाई रुक गई थी या फिर हमको इसकी ज़रूरत भी है। नहीं तो आजकल देखिए लगभग कोरोना की वजह से हर जगह ऑनलाइन क्लासें चली हैं तो सब काफ़ी लोगों के पास जो है एंड्रॉइड फ़ोन हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है तो अब जो है इस चीज़ को देना काफ़ी विकास कर गया है और ये ऑनलाइन के चक्कर में तो हो गया है, लेकिन इस चीज़ के उस पर आना सरकार के वादे को आपको किस नज़र से नहीं? ये तो एक तरह से प्रलोभन देके अपनी सरकार को लाना है, ठीक है, ये यूथ है ये इनके उस पर आ सकते हैं वो लोग, तो ये एक तरह से लालच दिया जा रहा है। जैसे पहले लैपटॉप का आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह के उस समय बहुत लोगों ने लैपटॉप को बेच दिया तो है ना, सपा सरकार में आया तो ये इतना जो है हमें तो यूथ लग नहीं रहा है इसका कि ऐसे
सरकार ऐसी चाहिए कि जो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें, जैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा में कुछ उन्हें कंपटीशन वगैरह में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोचिंग वगैरह के लिए किसी चीज़ की तैयारी के लिए उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उस आगे जा सकें, तो इस तरह की कुछ सुविधाएं दें कि उसमें ये आगे बढ़ सकें। टीचरों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार बच्चों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए, जानकार देते हैं कुछ और मेरे साथ यहाँ टीचर हैं, आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है? डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। ये जानना चाहेंगे प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है उस बारे में आप तो किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ मिलती है तो अच्छा है, सभी को अच्छा लगेगा कि हमें मिल रही है, लेकिन उसके पहले बेसिक सुविधाएं देखी जाएं कि आपको पढ़ाई के लिए, मान लीजिए इंटर पास करके बच्चा नहीं पढ़ता है, उसको सुविधा नहीं मिलती है कि वो एडमिशन कहाँ पर ले, तो वो उस सिक्योरिटी का क्या करेगा और वो ये जो मोबाइल मिल रहे हैं उनका क्या करेगा। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को सुविधा मिले, उनको एनकरेजमेंट मिले कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ाई और एडमिशन के लिए उनको पैसा मिले, ना कि स्कूटी के लिए और ये जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं उनके लिए। जब उनके पास पढ़ाई के एक बेस होगा तभी वो ये जान पाएंगे, तभी उन्हें आवश्यकता होगी स्कूटी की भी और स्मार्टफोन की भी। तो पहले जो बच्चों को सुविधाएं हैं कि उनको आगे क्या बढ़ना है, उनका एम निर्धारित करा जाए, जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए सुविधा दी जाए, उसके लिए पैसा दिया जाए, उसके बाद इन चीज़ों की तरफ देखा जाए। साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों का एक तरफ ये कहना है कि उनको ये सुविधाएं चाहिए, और अगर बात करें टीचर की तो टीचर का कहना ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनके सुविधा की चीज़ें पहले मुहैया कराई जाएं। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। रविवार यानी कि 24 अक्टूबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो पीएम के आगमन को लेकर होने वाली तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। तो सिद्धार्थनगर दौरे पर रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ 24 अक्टूबर यानी कि रविवार को, और यहां पर पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे, और कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी जान फूंक दी है। तो सीधे आपको सुल्तानपुर लिए चलते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मिलता था ना नौजवान को, मिलता था ना महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था, और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद देश को मंत्र दिया था सबका साथ और सबका विकास का, उसको सार्थक करके भी दिखा दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज हकीकत में बदलाव दिखाई दे रहा है। जब बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिलता है, जब बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है, और बिना भेदभाव के हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ मिलता है, तो सबका साथ सबका विकास हकीकत में बदलाव दिखाई देता है। भाइयों बहनों, जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जनपदों में से है, और लगभग 107 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर जनपद से होकर के जा रहा है। 4 गुना मुआवजा मिला है यहाँ के किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, 4 गुना। और भाइयों बहनों, जब औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे तो फिर सुल्तानपुर का विकास कई गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और सुल्तानपुर के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही रोजगार भी उपलब्ध होने लग जाएगा।
सुल्तानपुर में तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है, एयरफोर्स के जहाज भी वहां उतरा करेंगे, और इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी हो कभी किसी जहाज का तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। यह गौरव सुल्तानपुर।